जी समूह के अंग्रेजी न्यूज चैनल वियोन में पत्रकारों के लिए वैकेंसी है। आप अगर नौकरी की तलाश में हैं तो काफी काम की खबर है आपके लिए। टीवी आउटपुट में न्यूज और बिजनेस डेस्क के लिए वियोन न्यूज राइटर के पद पर भर्ती करने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप समाचार फॉर मीडिया की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया चलाने वाले प्रकाशक अब एक स्वनियंत्रित समूह विकसित करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की तरफ से एक मसौदा जारी किया गया है। इस मसौदे में ये कहा गया है कि स्वनियंत्रित समूह एक या इससे अधिक हो सकते हैं। कंटेंट पर नजर रखी जाएगी। अगर डिजिटल मीडिया के किसी कंटेंट पर आपत्ति है तो शिकायत का निवारण भी होगा। वरिष्ठ पत्रकार विशाल ठाकुर का निधन हो गया है। करीब 50 वर्षीय विशाल ठाकुर सांस लेने की तकलीफ से जूझ रहे थे। मंगलवार की सुबह उन्होंने दिल्ली में रोहिणी स्थित आवास पर अंतिम सांस ली है। मंगलवार की दोपहर करीब 1 बजे निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में तमाम जगहों पर चल रही सट्टेबाजी को पूरी तरह से रोकने का फैसला किया है। इस बारे में सरकार की ओर से प्रस्तावित नियमों का मसौदा जारी किया गया है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए सेल्फ रेगुलेशन और मैंडेटरी प्लेयर वेरिफिकेशन शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने नववर्ष मिलन समारोह में कहा कि सरकार पत्रकारों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रही है और पत्रकार सुरक्षा कानून पूरे देश के लिए नजीर बनेगी। उन्होंने प्रेस क्लब की मांग पर पत्रकारों के होम लोन में ब्याज में छूट देने पर भी विचार करने की बात कही है। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। मीडिया जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट को विजिट करें।